फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट आया है नीट 2022 एग्ज़ाम डेट को लेकर, पैटर्न को लेकर। और इसके पहले नीट 2021 के बच्चे जो काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो काउंसलिंग तो एमसीसी की जो ऑल इंडिया कोटा की होनी है उसको लेकर अभी तक कोई शेड्यूल रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन नीट 2022 की तैयारी करने वालों के लिए एक अपडेट है, तो जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर खबर आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें नीट 2022 का एग्ज़ाम इस बार भी जून, जुलाई या अगस्त में कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। जिस तरह आपको मालूम है 2 साल से नीट का एग्जाम सितंबर में कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इस बार भी नीट का एग्जाम अगस्त लास्ट या सितंबर में ही कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, उसको देखते हुए फिर से नीट का एग्जाम पोस्टपोन होता रहेगा और वही अगस्त या सितंबर में ही नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है वो जून मान के ही करिएगा ताकि आपका कोई भी किसी तरीके से लॉस ना हो, पूरी प्रिपरेशन रहनी चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। दूसरी चीज़, नीट का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो सरकार पूरी तरह से इस पे जो है विचार कर रही है कि नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाए और 2 बार कराया जाए, क्योंकि पिछली बार भी इस पर विचार हुआ था लेकिन समय कम होने की वजह से ये जो है इसको नहीं लिया गया फैसला। लेकिन इस बार ये फैसला लिया जा सकता है, तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और पीएम जी हैं, सब मिलकर इस पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आएगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम चाहते हैं। और दूसरी चीज़, 2 बार एग्ज़ाम तो सभी चाहते होंगे, लेकिन नीट की जो एग्ज़ाम डेट है वो अगस्त या सितंबर ही रहनी चाहिए। आपके हिसाब से किस मंथ में होना चाहिए? चैनल से जुड़े रहिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।